कि जनाब भाई कॉलेज जो ब्रेक हुई है और मेरी आँख से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है शदीद किस्म की। आप नहीं छोड़ देते ग्राउंड से बैठ गए दबाव वगैरह बड़ा मुश्किल दिन गुजरे है जनाब कॉलेज से ना। खैर नहीं कार चल रही है मेडिसिन डाल रहे हैं इसे और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। जनाब की हाल ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। शुरू करते हैं अपना आज का मजेदार ब्लॉग। लेकिन भाई उस तो पहले एक छोटी जी रिक्वायरमेंट है, जो तुम चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी तो चैनल में सब्सक्राइब करके साडे पार्टनर बन जाओ। तो शुरू करते हैं अपना आज का मजेदार ब्लॉग, बहुत मजा आने वाला, बस साडे नाल जुड़े हो। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखोगे मजा आएगा। आसमान इस तरफ साफ हो गया और बादल वगैरह इस तरफ काफी ज्यादा है ने और नाल सूरज भी तुलू हो गया हुआ है काफी देर तक। आप सुबह के सारे काम शाम निपटा के भाई मैं रेडी हो गया। मैं शॉप पे जाने वास्ते देख रहे हो मैं बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ तो उन्हें चलते हैं शॉप पे। यार आजकल मैं पता है पेंट शर्ट क्यों डाल के जा रहा हूँ, क्योंकि यार काम होता नहीं इन्ना खास ते कपड़े ना गंदे होंगे ने तो जरूरत ही नहीं होती। दूसरा मौसम भी ठंडा हो गया, पसीना वगैरह भी नहीं आता यार। शुक्र मौसम ठंडा हो गया और गर्मी का दी एंड हो गया और परसों बारिश हुई है सरगोधा च बड़ी, यानी कि तकरीबन एक घंटा हुई है और सही बारिश हुई है। इस बच्ची का काम चेक करोगे रिमोट के बैग से कवर में अपना ओरियो बिस्किट भर दिया, ये कोई काम करने वाला आपका? F16 ने गुजरन की आवाज़ आ रही है लेकिन किस तरफ वो गुजर रहा है नज़र नज़र कोई नहीं आ रहा है। भाई सरगोधा शहीदा का शहर है और इतने एयरबेस है और F16 है F17 F18 सारे खड़े होंगे इतने जहाज जा रहे हैं लेकिन इस टाइम उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो किसी दिन कोई खास दिन हो ना तो भाई इतने इन्ना शोर होंगे जहाज उड़ उड़ के पता नहीं कितने जा रहे होंगे ने तो इन्ना शोर हो रहा होंगे सारा दिन। मज़े की गल है कि भाई जो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने ना अपनी आवाज़ की वजह तो ज़्यादा मशहूर ने कि इन्हों का शोर बहुत ज़्यादा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक खौफ वास्ते होंगी, यानी कि दुश्मन जो खौफ दिखाना होंगे ना उस वजह तो होंगी, लेकिन दुश्मन ने पता नहीं किस टाइम देखना देखना भी है या नहीं देना, लेकिन असी रोजाना सुबह सुबह टाइम इन्हों की आवाज़ आना उठ जाते हैं। इस एरिए तो जनाब फिर भी इन्नी खास आवाज़ नहीं आती, यानी कि जिस टाइम जहाज गुजर के जा रहा होंगे ना आसमान तो यानी तदी आवाज़ आती है। अदरवाइज जो तुम हम चार स्टील वाले रोड पर चले जाओगे अपने असी मामू घर जाने अक्सर तो उन्होंने बई कार तो थोड़े जे फासले तो रनवे है तो रनवे तो जिस टाइम टेक ऑफ करता है जहाज लैंड करता है तो बिल्कुल नाल ही है और उत्थे तो बई इंतहा तो ज़्यादा शोर होंगे क्योंकि जहाज करीब होंगे और आसमान इतने तो दसन मेरा दसन का मतलब है कि बई इतने तो चलो फासला आ जाता है उत्थे फासला कोई नहीं और अच्छा खासा शोर होंगे। एक बार तो तुम बहरे हो जाते हो 2-3 सैकेंड जिस टाइम तक जहाज उड़ता नहीं ना तो बहरे हो जाते हो, लेकिन जिस टाइम लैंड होंगे उस टाइम इंजन वगैरह बंद होने इन्ना शोर नहीं होता लेकिन टेक ऑफ द टाइम काफ़ी शोर होता जहाज। जनाब गल्लां च लग गए तो जल्दी तो शॉप पर चलते हैं यार क्योंकि शॉप पर भी जाना है भाई और अजकल यार काम की रूटीन थोड़ी ठंडी ठंडी है, काम इन्ना कोई खास है नहीं लेकिन फिर भी काम करने वाला है वो मैं तुम्हें शॉप पर चल के दिखा दवा कल मैं की काम किया और मैंने बड़ी खुशी हो रही यार और बड़ी शाबाशी मिली उस काम से। खैर वो मैं तुम्हें शॉप पर जाकर दिखावगा इनशाला। जनाब भाई साहब 2-3 दिन पहले ना मैं यार पेज किसी ने कार लैके गया क्योंकि ना पेज टाइट करने से बई वो तो मैं परसों भी कर ले हुए टाइट तो खैर लैके जाना याद ही नहीं रहा तो अज मैं जरा ना अपने फुल कॉन्शियस ना उठा के लैके आया टेबल तो नहीं तो मेरा मैं आज फिर भूल जाना सी। तो खैर हम ये लै चलते शॉप पे, शॉप पे तो यदि जरूरत होंगी है लेकिन जो याद ही नहीं सी मेरे लैके आना वापस। अब एक गल है कि भाई थोड़े दिन हो गए ना सरगोधा से तरक्याती काम चल रहे हैं यार, देख रहे पीछे भी गड्डी आई हुई है, इसके अलावा मेन रोड भी तैयार हो रहा है तो काफ़ी यानी कि कुछ नया हो रहा है। जनाब वेलकम बैक टू अवर वर्कशॉप, अपनी शॉप पे पहुंच गए और भाई मैं थोड़ा घर जो चीज़ दस रहा कि मैं थोड़ा एक चीज़ दिखानी जो कि मैं शॉप पे आप काम किया तो वजह तो मैंने शाबाशी मिली और थोड़ी तुम फ्रिज देख रहे हो कि हालत है दरमियान जो तीस पट्टी उतारी हुई है भी लगनी है अज तो कल भैया दे मैं वाले पीस तैयार करके लगाए ने दोनों तरफ देखो यार हूँ किन्ने जबरदस्त लगने फिट नहीं हुए हूँ तो इस तरह बाहर निकल आएंगे लेकिन जिस टाइम तक दरमियान वाला पीस नहीं ना लगेगा इन्हों असं फिट नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह पीस लगाए ने अलहमदुल्ला और साइडा वाले बड़े जबरदस्त लग गए ने दोनों तरफ ही नू के देख सकते आसानी न कि बिल्कुल लाइन च आया और किसी किस्म का यानी कि कोई अजीब फॉल्ट नहीं नज़र आएगा तुम्हें तो इस तरफ जरा ना हूँ पिन्ना वगैरह लग जाए तो बिल्कुल बॉडी के नाल लग जाएगा ऊपर प्रोटीन लग जाएगी तो यानी कि बेस्ट हो जाएगा काम, लेकिन उस तो पहले दरमियान वाली पट्टी लगेगी फिर इस साइडा वाली फिट होनी है ताकि दरमियान वाली थोड़ा जहाँ स्टे मिल जाए और दरमियान वाली पट्टी इस पट्टिया के नीचे आ जाएगी तो वह कवर हो जाएगी तो इस करके ओफड़ भी नहीं लगेगी और जरा ना ग्रिप भी बन जाएगी इस करके ना इन्हों पिनअप नहीं किया वाली पट्टी शहर तो आएगी और फिर लगेगी।
भाई जनाब काम वैसे तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कीता तो मैनू बड़ी खुशी हो रही है यार। उस तो बाद टीचर तो भी शाबाश वगैरह मिली है, तो अच्छी गल है यार, काम करना शुरू कर दिता मैं भी। और इस तरह वाला काम टेक्निकल तो यानी कि वो कर ही लेंदा मैं, लेकिन यह जरा रिपेयरिंग वाला काम है ना, यह जरा थोड़ा जहा ना टफ और हार्ड काम होंगे, यह करना मुश्किल होंगे। अलहमदुल्ला भी यार असी करना शुरू कर दिता। और एक और गल है ना, दरअसल यह वाला जो काम है असं कॉलेज से नहीं सीख रहे, कॉलेज से बिल्कुल भी यदि जी क्लास क्लूस नहीं, उन्होंने सिर्फ टेक्निकल काम सिखाना है सानू, बजाय इस तो क्या रिपेयरिंग वगैरह सिखाएंगे। तो मुराद जनाब डेंटिंग और पेंटिंग रिपेयरिंग से आती है, दूसरी भी रिपेयरिंग होंगी सिस्टम रिपेयरिंग, लेकिन वो तो अभी कॉलेज सीखेंगे, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग वाली रिपेयरिंग नहीं ना अभी सीखेंगे, तो यह तो अभी शॉप अपने प्रैक्टिकल तो सीख रहे हैं अलहमदुल्ला। नहीं ये जनाब यह वाला समान जरा बाहर निकाल के रख दें जी सारा, उत्थे तुसी आउटडोर देखो जगह किन्नी जी थोड़ी के उन फ्रिज ते रखना पे है, तो जगह यानी कि समान थोड़ा ते निकालने फ्रिजा बाहर, काफ़ी ज़्यादा फ्रिजा ने निकालन वाली है जनाब। तो तीन फ्रिज इसमें निकाली ने, दो फ्रिज इसमें निकाली ने, एक और ड्रायर बाहर निकाल के रख दिता है, तो रस्ता यानी कि एंट्रेंस बन गई हुई है अपनी, ठीक है। इस अलावा अपने को स्पेस बन गई हुई है, तो ठीक हो गया काम। कल मैं 6 फ्रिजा बाहर निकालिया सी, लेकिन अज एक फ्रिज और रिपेयर होकर चली गई सी। पंखा चल गया अपना। इस फ्रिज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना इस्लामी किताबें पई हुई ने, बयानुल कुरान, तो थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ ने, देख रहे हो सारे के नाम मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, तो भाई ये यानी कि ना इस्लामी किताबें ने, उस तुम्हें पता ही होएगा। तो इस भी एक पई हुई है जी, हकीकत एक साम शिरक, ये सारी किताबें इतने पी ने फिलहाल कल ही आई ने, यानी कि पढ़ने वास्ते आई ने दुकान से ना। चलो जनाब इन किताबों पढ़ने की भी कोई रूटीन बनावेंगे, ताकि कोई इलम आए यार जनाब। बाकी ब्लॉग जरा घर जाके बनावे, तो खैर मैं जिस वापस जावगा ना दुकान तो फिर मैं तुम्हें मिलागा। सिर्फ अज मैं तुम्हें फ्रिज के पीस दिखाए थे जो कि मैं लगाए ना, तो वो दिखाने वास्ते मैं तुम्हें लेके आया घर जाके मिला इन शाला। ओके वीवर्स, इस टाइम भाई वापसी होगी अपनी शॉप से, शॉप तो काम को खास है नहीं सी, मेरे टीचर छुट्टी दे सी, तो भाई मैं हो गया वहाँ वापस नहीं चलते वापस घर, कॉलेज तो जाना ना, कॉलेज तो नहीं छुट्टी, हाँ लेकिन एक दो दिन हो जाएंगी, कुछ 3-4 छुट्टियां होनी ने, खैर हूँ ही जाना घर चलते और तैयारी करते कॉलेज की। ओके जनाब मैं शॉप तो घर पहुँच गया सी, आके खाना शाना खाया है, और इस टाइम मैं रेडी हो गया मैं कॉलेज जाने वास्ते, तो हम चलते हैं कॉलेज। लेकिन यार मेरी यह वाली अपना ख़राब हो रही है, तो जीव जी उलझन हो रही है और आम सुलभ हुई हुई है, खैर नहीं रहना चलते हैं कॉलेज और आके कोई देखेंगे ड्रॉप्स वगैरह जो पे होंगे तो डाल लें। भाई वीवर से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है, होने तकरीबन 10 मिनट से इंशाल्लाह से पहुँच जाएंगे कॉलेज इंशाल्लाह। वीवर आँख वाली प्रॉब्लम बड़ी ख़राब हो गई यार, बहुत दर्द हो रही है, मैं रुमाल तो लेके आया वहाँ नाल, बहुत दर्द हो रही है। बस कॉलेज पहुंच के ही थोड़े तो मिलते हैं जी। ओके भाई साहब पहुंच के अपने कॉलेज सामने है, कॉलेज आप साइकिल पार कर देती है, उन्हें कॉलेज अंदर चलते हैं। ओके जनाब तो अपनी क्लास से पहुंची हैं जी, है जी मेरी क्लास। और भाई इस तरफ ना गैस चार्ट लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गैसेज इस्तेमाल होंगे ना, तो उन्होंने चार्ट। ओके जनाब तो भाई भी मुझे देख के वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं भाई, मैं तो वैसे ही बना था व्लॉग के लिए। खैर जनाब इधर ना कोई ट्रांसफार्मर की वो लिखी हुई थी, वो मैंने लिख लिया है जनाब। भाई कॉलेज जो ब्रेक हुई है और मेरी आँख से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, शदीद किस्म वाली, आप नहीं छोड़ देते ग्राउंड से बैठने, हवा वगैरह थोड़ी सी लेने, लेकिन वैसे ब्रेक हुई हुई है सामने। जनाब कॉलेज से छुट्टी हो गई है यार, रसाई की प्रॉब्लम बन गई है, बड़ा मुश्किल दिन गुजरे जनाब कॉलेज से ना, खैर नहीं कार चलने हैं, मेडिसिन डालते हैं इससे और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। अब जड़ी है ना जनाब मेरी सुरख हुई हुई है, और आजकल एक वायरस भी आया हुआ है, उस वजह से ना अखा ख़राब हो जाती है, लेकिन भाई मेरी तो सिर्फ एक ही अख ख़राब है, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ गई हुई है, मेडिसिन डालने का जाके नहीं तो भाई आराम नहीं होने से। ओके जनाब अपना आज का व्लॉग करते हैं इसी खत्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग से, बहुत सारा प्यार मोहम्मद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।